Macarena. ट्रेन का मसला 2014 से लेके है अभी तक 2021 तक। अब म्यूनिसिपैलिटी ने 9,66,000 का एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमारा जो हमारा रोड है वो इनको काटना था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि महकमा ड्रेनेज या जो SMC है वो ये काम क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 20 दिन से हम पानी में हैं और अभी हम कोरोना के बजाय अब हम पानी में जो वाटर बॉर्न डिजीज की वजह से उससे मरेंगे। अगर ये ट्यूलिप गार्डन का इतना ख्याल करते हैं, जो वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो छोटे छोटे ट्यूलिप हैं वो खराब हो जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कल को इलाके में बीमारियां फैलेंगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहां से पहले आप अथॉरिटी के पास गए? हमने अभी तक हम डिविजनल कमिश्नर जितने भी हैं उनके पास हमने एक ड्राफ्ट बना दिया, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिया, ST ड्रेनेज के पास गए, उन्होंने टीम भेजा, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो वापस क्यों भागते हैं फिर वहां से। तो सर, वहां क्या कहना है इसके बारे में? हम ये चाहते हैं कि इलाके में जो ड्रेन है, जो वाटर लॉगिंग का जो इशू है वो कल जल्द से जल्द खत्म हो जाए। वहां पर इतनी बदबू आ रही है एरिया में कि मुझे नहीं लगता हम अगले 5-6 दिन वहां रह पाएंगे, वहां बच्चे मर जाएंगे। नए गार्डन आपने संभाल रखा है वो छोड़ दो, यहाँ जिंदा ट्यूलिप को बचाओ।